हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? फाइन, मस्त। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेंस। टेंस यू कैन कॉल इट द बैकबोन ऑफ आर इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस यू कैन नॉट मेक इवन अ वन सेंटेंस, और यू कांट अंडरस्टैंड वन सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। न तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं इंग्लिश में और ना ही आप समझ सकते हैं। तो क्या आपके साथ ये समस्या है? कैन यू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ अ गिवन सेंटेंस? आप समझ सकते हैं कि यह दिया हुआ सेंटेंस जो है किस टेंस में है? नहीं, कोई बात नहीं, अगर है तो बड़ी अच्छी बात, और नहीं है तो डोंट वरी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस दैट इन विच टेंस इट इज। ओके, तो टेंस वी जनरली कॉल इट इन हिंदी काल। आप हिंदी के माध्यम से समझते जाइए, दिस विल वेरी क्लियर टू यू। काल, काल, डेंजर नोट कि तुम्हारा काल आ गया है, ऐसे नहीं बात करनी। बल्कि क्या है, दिस एक्चुअली रेफर्स टू टाइम। व्हाट टाइम? कौन सा समय? कि कोई काम किस समय में होता है, हो रहा है, होगा, या हो रहा था, या हुआ था। दिस वे, तो जैसे हम कहेंगे राम खेल रहा है, राम खेल रहा था, राम खेलेगा। दिस वे, दिस सेंटेंसेस यहाँ है, दिस इंडिकेट्स दैट कि ये काम अभी हो रहा है। इट इज़ इन प्रेजेंट, कि अभी वर्तमान समय में ये काम हो रहा है, वर्तमान दैट इज प्रेजेंट। फिर ये हो रहा था बीते समय में, बीते समय की बात है, दिस इज़ पास्ट। और दिस इज़ टू टेक प्लेस, ये होने वाला है इन कमिंग टाइम, तो दिस इज़ फ्यूचर। तो दिस वे यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वॉन्ट टू से, दैट दिस टेंस इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तीन ग्रुप में इसको बांटा जाता है। प्रेजेंट आप इसे कह सकते हो आज, टूडे जो अभी है। पास्ट दैट यू कैन कॉल यस्टरडे, बीता हुआ दिन, कल। एंड फ्यूचर यू कैन कॉल टुमोरो, दैट द कमिंग डे, नेक्स्ट डे। आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। प्रेजेंट आज, पास्ट बीता हुआ कल, फ्यूचर आने वाला कल। दिस वे वी डिवाइड दिस इन थ्री पार्ट्स। ओके, एंड हियर नाउ वी विल सी दैट दीज थ्री टेंसेस हैव देयर सब काइंड्स, है ना। हर टेंस के चार टाइप हैं, चार चार टाइप हैं। तो वी विल डिस्कस देम, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ओके, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस यू कॉल इट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन द सेम वे सारे टेंसेस का इस तरह से होता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी वही सब होगा, सिंपल फ्यूचर। सिंपल को आप इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल प्रेजेंट का मतलब जो प्रेजेंट में सिंपली सिंपली प्रेजेंट टाइम में जो काम हो रहा होता है। इसमें यूनिवर्सल बातें भी आती है, जैसे कि राम खेलता है, मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, इस तरह की बात को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। आई थिंक इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अगर हम सिंपल पास्ट में आ जाएं तो क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट में वह आया, वह गया, ऐसे वह आया, वह गया, उसके लास्ट में कोई है, था, इस तरह की कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ा, उसने देखा। ओके, देन सिंपल फ्यूचर, सिंपली वह जाएगा,
मैं खेलूंगा, तुम आओगे, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इन सिंपल फ्यूचर. देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट मीन्स नॉट परफेक्ट, एंड परफेक्ट मीन्स क्या होता है, पूर्ण. तो अभी ये पूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, है ना, पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है. और प्रेजेंट में चल रहा है, इसका मतलब क्या कि वह पढ़ रहा है, वह मैं खेल रहा हूँ. ओके, दैट मीन्स इट शुड बी कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू चाहिए. और एक यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है, पढ़ रहा है, खा रहा हूँ, रही है, जनरली लोग सीख लेते हैं. अब वहाँ कन्फ्यूजन होती है क्या, जैसे मान ले कहा जाए कि वह खड़ी है, दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, क्योंकि काम खड़ा होने का कंटिन्यू है. अगर इसकी इंग्लिश अंग्रेजी करनी होगी तो हम क्या कहेंगे, सी इज स्टैंडिंग. कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसमें रहा रहे नहीं है तो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ. ओके, देन वी आर कमिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इम्परफेक्ट, तो उसमें जस्ट हम लोग जो प्रेजेंट की बात कर रहे थे उसको हमको पास्ट में कर देना है. जैसे वह पढ़ रहा, जहाँ है था वहाँ था कर देना है. तो दिस विल सो दैट दिस इज पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में जो काम कंटिन्यू था, कंटिन्यू मीन्स रेगुलर चल रहा था. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर में ये काम चल रहा होगा, वह गा रही होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको समझना है कि इस टेंस में क्या होता है, इस टेंस के सेंटेंस किस तरह के मीनिंग दे सकते हैं. ओके, फिर हम सीखेंगे कि कैसे ये आता है. देन प्रेजेंट परफेक्ट, अभी मैंने कहा परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, पूरा हो गया, है ना, पूरा हो गया. जैसे कहेंगे वह खा चुकी है, खाने का काम पूरा हो गया है, या उसने खा लिया है. एक बात हमें ध्यान रखनी है कि हमें किसी एक फॉर्म में नहीं चल रहा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द थीम, मीनिंग हमको समझना है कि एक्चुअली इसमें क्या है. कुछ लोग क्या करते हैं, वह खा चुकी है, वह देख चुका है, तो यही प्रेजेंट परफेक्ट होगा. फिर कन्फ्यूजन क्या होगी, जब कहेंगे उसने खा लिया है तो क्या कहेंगे, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा. क्यों, खा लिया, उसने खा लिया है, यानी काम पूरा कर लिया है, कर लिया है, प्रेजेंट, और काम पूरा हुआ, इसलिए प्रेजेंट का परफेक्ट. ओके, देन वी आर कमिंग टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट में काम पूरा हो गया होगा, कंप्लीट हो चुका था. जैसे वह सो चुकी थी, ऐसे तो अभी मैं सिंपली चल रहा हूँ, सॉरी अभी मैं सिंपली चल रहा हूँ. आप देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का यूज़ तो जनरली ऐसे होता ही नहीं, इस तरह के सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट भी रखते हैं, लेकिन एक बिगिनिंग अभ्यास के लिए, समझने के लिए अभी आप अभ्यास करेंगे. वह सो चुकी थी, वह उसने पढ़ लिया था, या वह पढ़ चुका था. ओके, जहाँ है वहाँ था कर देना है, प्रेजेंट से पास्ट हो जाएगा. देन इन फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा, वह लिख चुकी होगी. हियर द सेम थिंग ऑल्सो कम, यहां भी वही बात आती है क्या, कि उसने लिख लिया होगा. अगर हम ऐसी ऐसी बात कहें, उसने लिख लिया होगा, तो इसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट पे रखेंगे. ये फ्यूचर हो गया और काम पूरा दिख रहा है, इसलिए फ्यूचर का परफेक्ट हो गया. देन वी कम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. यहाँ परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी, दोनों बातें हैं. ये कैसे हो सकती है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और कंटिन्यूअस का मतलब दैट इज गोइंग ऑन रेगुलर, जो रेगुलर भी है. तो पूर्ण एक एक निश्चित समय तक ये पूर्ण हो गया,
और रेगुलर मतलब आगे भी चल रहा है ऐसे कार्य में। मैं बताता हूँ कि वह दो दिनों से पढ़ती रही है। ओके, पढ़ती रही है। दिस शो इज कंटिन्यू, कि दिस इज कंटिन्यू, द एक्शन इज कंटिन्यू, काम चल रहा है, सो कंटिन्यूअस हो गया। और 2 दिनों तक दिख रहा है कि काम पूरा हो चुका है, 2 दिनों तक काम पूरा हो चुका है और आगे भी काम चल रहा है। सो जो पूरा हो गया तो परफेक्ट, और जब चल रहा है तो कंटिन्यू। सो दिस वी कैन कॉल परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चूंकि है, दिस शोज दिस इज इन प्रेजेंट, सो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक इट इज़ क्लियर। इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी सही होगा। जैसे मैं 5 वर्षों से खेलता रहा था, अगर इसमें कहेंगे मैं 5 वर्षों से खेल रहा था, मैं 5 वर्षों से खेलता आ रहा था, दीज आर द सेम थिंग्स, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। मैंने पहले भी कहा कि मुझे किसी भी एक फॉर्म में रट्टा नहीं मारना है, बल्कि क्या करना है तो हमें समझना है कि वो उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। सो 5 वर्षों तक काम पूरा हो गया, इट इज़ परफेक्ट, और आगे भी चल रहा है, सो इट इज़ कंटिन्यू, और ये पास्ट में है, सो दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम कर देंगे इसमें होगा, मैं हूँगा, मैं 5 वर्षों से खेलता रहा हूँगा, देखो हूँगा दिस वॉज फ्यूचर, 5 वर्षों से 5 वर्ष तक काम हो गया होगा परफेक्ट, और आगे चल रहा, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक द थिंग इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल, यू कैन अंडरस्टैंड। आप पहचान सकते हो कि जो हिंदी के सेंटेंस दिए जा रहे हैं वो किस टेंस में आने वाले हैं। सबसे पहला काम मेरा वही होता है कि जो हमने सोचा है, जो मुझे दिया गया है, पहले हमें पहचानना है कि इसे किस टेंस में लेकर जाना है। ओके, तो इस पार्ट में हम लोगों ने हिंदी के सेंटेंस को समझा कि हम हिंदी को कैसे पहचाने कि वो किस टेंस में है, और हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी। फर्स्ट थिंग वाज टू अंडरस्टैंड कि द गिवन सेंटेंस कम्स इन विच टेंस, कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है वह सेंटेंस किस टेंस में आता है, सबसे पहला काम होता। और जब ये बात मेरी समझ में आ जाती है तो फिर तो बहुत ही आगे आसान सा काम है कि यू विल डू इट वेरी इजीली, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, बी कंटिन्यू विथ मी। आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी सिंपल टू चेंज द हिंदी सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश। केवल आपको करना क्या है, मेरे साथ कंटिन्यू रहना है, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। ओके, बी हैप्पी, बाय।